Dear student, welcome in computer class. Today we are going to do the question answers of chapter 3. Chapter 3 is Scratch 2. Answer the following. Question number 1 is, what do you know about blocks in Scratch? Scratch में जो blocks हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं? Blocks are the puzzle piece shapes that are used to create code in Scratch. जो स्क्रैच में जो ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आप लोग पजल खेलते हैं ना, अलग पजल जो गेम्स होती है जिसमें आप ज्वाइन करके एक पिक्चर बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वैसे ही शेप्स के पजल पीस हैं जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। वैसे मुझे बताएं, आप सब जानते हैं, ये देखिए ये हमारे ब्लॉक्स हैं, मोशन, लुक, साउंड, पेन। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, सारे के सारे ब्लॉक्स हैं। और इनकी शेप्स देखिए, इनकी शेप्स कैसी है, जैसे आप लोग पजल्स खेलते हैं ना कि कहीं ना कहीं से कटा हुआ होता है ना, फिर उसमें आपको उसमें इसको फिट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम ऑफ ब्लॉक्स दैट आर अवेलेबल इन स्क्रैच सॉफ्टवेयर। स्क्रैच सॉफ्टवेयर में कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, देखिए कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, मोशन, कंट्रोल, लुक, सेंसिंग, साउंड, ऑपरेटर्स, पेन, वेरिएबल। मोशन से क्या होता है, स्क्रैच को मूव कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल से देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे सारे ब्लॉक्स के नाम है। मोशंस में क्या होती है, सारी मूवमेंट की कमांड होती है कि स्क्रैच को, अगर आप स्प्राइट को आपको मूव करना है, टर्न करना है, कौन सी डायरेक्शन में हम उसे मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो सारी मोशन से रिलेटेड आपकी कमांड होती है मोशन ब्लॉक में। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड आपका है इवेंट्स। इवेंट्स में क्या है, इवेंट्स में देखिए, इवेंट्स में वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, ये आपका इवेंट है जिसे आप सबसे पहले यूज करते हैं। फिर देखिए लुक्स है, लुक्स में क्या है, से हेलो, हम लोगों ने हेलो और हाय वाला किया था ना कि हेलो को 2 सेकंड के बाद में, ये आपका सारा लुक्स में आता है। ठीक है, इसमें कॉल आउट यूज करते हैं हम हेलो हाय वाले। फिर इसके बाद है साउंड, साउंड से हम लोगों ने भी लास्ट वीक ही किया है, अगर आपको कोई भी साउंड, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड डालनी है या आप लोग अपनी कोई आवाज़ डालना चाहते हैं तो देन साउंड ब्लॉक विल बी यूज्ड। नेक्स्ट क्या है, पेन। पेन से क्या होता है, अगर आप कुछ स्पेशल ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने लोगों में ड्रॉ किया था ना, वैसा आप कुछ करना चाहते हैं तो हम पेन यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद देखिए ये आपका है डाटा। डाटा में क्या है, अगर आप कोई भी लिस्ट या वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप डाटा में जाएंगे। इवेंट्स में हम लोग कर चुके हैं। और कंट्रोल में क्या होता है कि अगर आपको लूप चलाना है, वेट करना है, किसी चीज़ को रिपीट करना है। ठीक है, सेंसिंग में आपने आपको बताया कि अगर जो आपकी स्प्राइट मूव करते करते जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे आ जाए तो वो क्या करे, है ना, जैसे बॉर्डर को सेंस करने पे क्या करे, वो आपकी सेंसिंग हो गई। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपकी जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपके ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई ब्लॉक बनाना है तो ये इसमें मेक अ ब्लॉक, ये सब क्या है, हमारे सारे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को ब्लॉक्स के नाम लिखने हैं, आपको याद भी होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक, मोशन ब्लॉक और कंट्रोल ब्लॉक। अब देखिए आपको इनका फंक्शन लिखना है। मोशन ब्लॉक का क्या है फंक्शन, मोशन ब्लॉक इज यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्प्राइट। अगर आपको स्प्राइट को कोई भी मूवमेंट देनी है तो आप क्या यूज करेंगे, मोशन ब्लॉक का यूज करेंगे। इट आल्सो हेल्प्स टू सेट द एक्स एंड वाई पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द स्प्राइट, क्योंकि हम लोग इसको किसी न किसी एंगल में टर्न भी कर सकते हैं, स्प्राइट को डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये सारे काम किस में होते हैं, मोशन ब्लॉक में। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ब्लॉक। कंट्रोल ब्लॉक इज यूज टू कंट्रोल द स्क्रिप्ट। अगर आपको स्क्रिप्ट को कंट्रोल करना है तो हम कौन सा यूज करेंगे, कंट्रोल ब्लॉक। इट प्रोवाइड्स फंक्शन फॉर लूपिंग वेरियस ब्लॉक्स। अगर आपको लूप चलाना है फॉर एवर, हमेशा के लिए चलता रहे वो, या आपको रिपीट 10 बार करना है, तो वो सब चीजें किस में होती हैं, आपकी कंट्रोल ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी गिव साउंड इन आर एनिमेशन। हम अपने एनिमेशन में साउंड कैसे दे सकते हैं, फॉर गिविंग साउंड इन द एनिमेशन वी यूज साउंड ब्लॉक। साउंड देने के लिए हम लोग कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं, साउंड ब्लॉक यूज करते हैं। और स्क्रैच आल्सो हैज अ साउंड गैलरी। स्क्रैच में एक साउंड गैलरी होती है, ये हम लोगों ने देखा भी था, स्क्रैच में बहुत सारी साउंड्स होती हैं। और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इम्पोर्ट द साउंड बाय क्लिकिंग ऑन द इम्पोर्ट बटन फ्रॉम द साउंड टैब।
साउंड ऐप के अगर इम्पोर्ट पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इसकी लाइब्रेरी में जो है, इसकी गैलरी में जो साउंड है वो हम अपने स्प्राइट को दे सकते हैं। और हम इफ़ वी डू नॉट फाइंड अ सुटेबल साउंड, अगर हमें वो साउंड जो हम चाहते हैं वैसी साउंड वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द साउंड बाय क्लिकिंग ऑन द रिकॉर्ड बटन। रिकॉर्ड बटन पे जाके हम अपनी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, राइट द कलर एंड द नंबर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स इन स्क्रैच। अब देखिए स्क्रैच में जो है आपके ब्लॉक्स हैं उनके कलर देखिए क्या है, जैसे मोशन ब्लॉक है, मोशन कंट्रोल ब्लॉक है, लुक्स है, साउंड है, ऑपरेटर्स ब्लॉक है, आपको उनके कलर्स आने चाहिए ना। अगर आप कोई स्क्रिप्ट देखते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाए कलर से देख के। स्क्रैच की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि इसमें जो अलग अलग कलर के ब्लॉक्स होते हैं, है ना, आपको सारे ब्लॉक्स का कलर याद होना चाहिए ताकि आप कोई भी स्क्रिप्ट देखें, स्क्रिप्ट का मतलब कोई भी कोडिंग देखें, तो आप समझ जाएं कि ये वाला जो है ये कौन से ब्लॉक का है। मोशन ब्लॉक होता है वो कौन से कलर का होता है, इट इज़ ऑफ ब्लू कलर। और कंट्रोल ब्लॉक आपका गोल्डन कलर का, लुक्स पर्पल होता है, साउंड पता ही है हमें पिंक और मेजेंटा होता है, ऑपरेटर्स हमारा लाइट ग्रीन कलर का होता है। और मोशन ब्लॉक्स में हमारे कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने होते हैं मोशन ब्लॉक के अंदर, और हमारे 16 होते हैं, कंट्रोल ब्लॉक में भी 16 होते हैं, लेकिन लुक्स में 17 होते हैं, साउंड में 13 होते हैं, और ऑपरेटर में हमारे 11 होते हैं। अब देखिए हम एक बार स्क्रैच में आ रहे हैं, स्क्रैच में देखिए साउंड वाला मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ये साउंड है। साउंड में देखिए हमारे पास में साउंड में अगर आपको न्यू साउंड लेनी है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज़, देखिए है ना, माइक पे जाएंगे आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर आपको लाइब्रेरी से लेकर आनी है, लाइब्रेरी में देखिए कितनी सारी साउंड है, लाइब्रेरी में देखिए बहुत सारी साउंड हो। अगर आपको अपनी किसी फाइल से लेनी है तो फाइल से अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अपनी इंटरनेट से भी कोई साउंड ले सकते हैं, ठीक है।